हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बीटेट से संबंधित है। ये आज का न्यूज़पेपर है 7 फरवरी 2018 पेज नंबर 10। इसमें एक अपडेट है बीटेट से संबंधित, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का। चलिए इसको खोल के हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या शुद्धि पत्र दिया गया है। विज्ञप्ति संख्या PR 75/2017 एवं 89/2017 का शुद्धि पत्र। एतद् द्वारा समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 75/2017 एवं 89/2017 के द्वारा बिहार प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा 2017 के पेपर 1 एवं पेपर 2 के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि गलत प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के पश्चात एक्सपर्ट कमेटी द्वारा यदि जांच में परीक्षार्थियों द्वारा दिए गए आपत्तियों को सही पाया जाता है तो संबंधित परीक्षार्थियों को उसका अंक देते हुए संशोधित परीक्षाफल समिति द्वारा घोषित किया जाएगा। इस संबंध में प्रसारित विज्ञप्ति PR 75/2017 एवं 89/2017 में आंशिक संशोधन करते हुए इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्राप्त आपत्ति या आपत्तियों को एक्सपर्ट कमेटी से जांच के पश्चात यदि आपत्ति सही पाई जाएगी तो पूर्व की भांति उन गलत प्रश्नों के अंक को कुल पूर्णांक 150 से घटाकर तदनुसार समिति द्वारा परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक। अगर हम पूरे कंक्लूजन पे जाएं तो हमेशा से ये प्रश्न उठता रहा है कि क्या गलत प्रश्नों के अंक मिलेंगे, तो ये बोर्ड ने अब स्पष्ट रूप से कह दिया कि गलत प्रश्नों के अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर जो भी आपत्ति हुई है उसमें कोई गलत प्रश्न आता है तो 150 में से उसे घटाकर ही, जैसे पहले होता था 150 में से घटाकर दिया गया था, वैसे ही संशोधित परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी तक डेट इसका फिक्स नहीं बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।